नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी पुनः आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में हमने डिजाइन ऑफ फुटिंग पढ़ रहे थे, और डिजाइन ऑफ फुटिंग में हमने गिवन क्या क्या है, हमें गिवन हमें कॉलम लोड पी गिवन है, हमें बियरिंग के जो कॉलम की साइज है, जो कॉलम की साइज है वो हमें गिवन है, जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल है वो हमें गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जिसको हम FCK भी बोलते हैं, और ग्रेड ऑफ स्टील जो हम FY बोलते हैं, ये सब हमें गिवन है। दीज आर गिवन्स। अब पहली बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, हमें साइज ऑफ फुटिंग निकालनी है सबसे पहला, क्योंकि हमारे पास खाली लेना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें साइज ऑफ फुटिंग चाहिए। साइज ऑफ फुटिंग के लिए सबसे पहले जो अभी अभी मैंने आपको लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, तो पहला सबसे पहला चीज़ बात करें तो कॉलम लोड बराबर पी गिवन है हमें, ठीक है। अगर कॉलम लोड पी है हमारे पास और फुटिंग का लोड, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग की बात करूं मैं, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, फुटिंग का खुद का लोड कितना मांगा, माना हमने 10% ऑफ कॉलम लोड, कितना माना हमने 10% ऑफ कॉलम लोड, कितना हुआ ये 0.1 P हुआ, ये मैं आपको निकाल के बता दिया था 0.1 P कैसे हुआ। तो अगर मैं टोटल लोड की बात करता हूं, देखो यहां पे आपको इसको फैक्टर नहीं करना है, ये अगर LSM में भी कर रहे हो ना तब भी इसको फैक्टर नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं टोटल लोड की बात करूं तो टोटल लोड कितना हो गया, टोटल लोड हो गया आपके पास 1.1 P, ये आपके पास टोटल लोड हो गया। अब आपको बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल दे रखी है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दैट इज गिवन टू यू कितना है, क्यू नॉट। ये जो टोटल लोड है आपका किलो न्यूटन के अंदर है, और जो आपकी बियरिंग कैपेसिटी है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर है। सिंपली आप यूनिट वाइज भी देखो तो अगर किलो न्यूटन को आप बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ मीटर स्क्वायर दैट इज एरिया। तो आप एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकल जाएगा, आपका एरिया ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपली, टोटल लोड डिवाइडेड बाय बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल दैट इज 1.1 P डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यहां से आपका निकल जाएगा एरिया, किसमें निकलेगा, जिसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ही है। तो यहां से देखो मैं वापस बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली सब कुछ इंप्लीमेंट करना है हमें, थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं समझना है हमें, सब कुछ गिवन था, आपने एरिया निकाल लिया, आपको एक खाली लेंथ थी उसके अंदर आपको एरिया मिल गया कि कितने की मुझे, कितने एरिया की, कितनी साइज की मुझे फुटिंग बनानी है। तो अगर मैं अब आपको किस टाइप की फुटिंग डिजाइन करनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग स्क्वायर आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, वर्गाकार आइसोलेटेड, वर्गाकार विलगित फुटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्गाकार इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, वर्गाकार विलगित नींव। तो अगर आप इसकी डिजाइनिंग कर रहे हो तो कोई भी एक वर्ग है, कोई भी एक स्क्वायर है, उसकी अगर भुजा बी है तो उसका एरिया क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर एरिया, और एरिया भी अभी आपने निकाल लिया है वहां से, तो यहां से आपको बी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, रूट ऑफ ए कर दोगे तो आपको यहां से बेड ऑफ द फुटिंग, बेड ऑफ द फुटिंग आपको आसानी से मिल जाएगी। समझ में आया ये। तो पहला स्टेप आपका इस तरह से, आप पहला स्टेप क्या निकाला आपने, पहला स्टेप आपने निकाला एरिया ऑफ द फुटिंग, जो कि ऐसे कंप्लीट हो गया अपना। आप लोग नोट कर रहे हो मैं मानता हूं, तो आपने पहला स्टेप आपने नोट कर लिया, क्या था अपना एरिया ऑफ फुटिंग। अब अगर मैं दूसरे
स्टेप की बात करूं तो ये अपना क्या होगा, अब आपको नेट सोइल प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? नेट सोइल प्रेशर। नेट सोइल प्रेशर या मृदा दाब, इसको हम मृदा दाब भी बोल सकते हैं, कुल मृदा दाब कितना होगा। तो आपको नेट सोइल प्रेशर निकालना है, तो वो कहां से निकलेगा, आपको क्या क्या गिवन है ये दिमाग में रखो। तो आपको लोड फ्रॉम कोलम गिवन है, लोड फ्रॉम कोलम कितना है ये अपने पास, पी गिवन है अपने पास, ठीक है। और आपको एरिया ऑफ फुटिंग गिवन है, एरिया ऑफ गिवन मतलब आपने निकाल लिया है, एरिया ऑफ फुटिंग आपने निकाल लिया है, आपने फाइंड आउट कर लिया है ए। तो अगर नेट सोइल प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके पास हो जाएगा प्रेशर अपॉन वो लोड अपॉन में, लोड अपॉन में एरिया, ये किस में आ जाएगा अपने पास, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत? अब ये आपको निकला है, अब यहां पे डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई है और हम एलएसएम में डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें फैक्टर्ड नेट सोइल प्रेशर चाहिए होगा, फैक्टर्ड नेट सोइल प्रेशर चाहिए होगा। और जब हम एलएसएम में डिजाइन करते हैं फैक्टर्ड करने के लिए, लोड को फैक्टर करने के लिए हम 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से। तो आपका ये आ गया आपका फैक्टर नेट सोइल प्रेशर, जिसको हम डब्ल्यू यू नोट से डिनोट करते हैं। तो आपको याद आया डब्ल्यू यू नोट, जो मैंने क्रिटिकल सेक्शन बताया था, क्रिटिकल सेक्शन का जो डब्ल्यू यू है ना, ये वही है 1.5 पी डिवाइडेड बाई ए, दैट इज फैक्टर नेट सोइल प्रेशर, इसको डब्ल्यू यू से। तो आप इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, आगे यही काम में आएगा।